कनेक्शन मिला कि नहीं? पिंकी पाई, तुम रेनबो डैश से ज्यादा नर्वस हो रही हो। मैं बिल्कुल भी नर्वस नहीं हूँ। जब मैं वंडरबोल्ट एकेडमी पहुँच जाऊँ, अगर तुम वहाँ पहुँची तो अगर अभी से नजर मत लगाओ। ये तो मेरे बाएं हाथ का खेल है, देखना। नजर मत लगाओ। और पोनीविल की सबसे अच्छी फ्लायर है। पोनीविल की? मुझे तो लगता है कि मैं पूरे एक्वेस्ट्रिया की सबसे अच्छी फ्लायर हूँ। बल्कि मुझे तो जरा भी हैरानी नहीं होगी अगर वो मुझे पहले ही दिन वंडरबोल्ट बना दे। रेनबो डैश के लिए चिट्ठी है। मुझे एडमिशन नहीं मिला। उल्लू बनाया। तुम्हें बुद्धू बनाना कितना आसान है, जैसे मुझे एडमिशन नहीं मिलेगा। मैं तुम्हारे लिए बहुत 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 खुश हूँ। थैंक यू पिंकी पाई, अब मुझे चलना चाहिए। ओके, मेरा हो गया। जितनी जल्दी वहाँ पहुँचूंगी उतनी जल्दी दिखाऊंगी कि मैं क्या हूँ। एक हफ्ते बाद मिलते हैं। गुड लक। उसकी जरूरत नहीं पड़ेगी। हमें चिट्ठी भेजना मत भूलना। क्या उसने सुना होगा? My little pony, my little pony. दिल जो है स्ट्रॉन्ग भी, शेयरिंग काइंडनेस है इजी, और मैजिक से ही जिंदगी मेरी दोस्ती ये दोस्ती है आया है। तुम सबको लगता है तुम वंडरबोल्ट बनाने के लायक हो, है ना? Yes, ma'am. क्या तुम्हें लगता है कि तुम एलीट फ्लायर बनने के लायक हो? Yes, ma'am. Well, ठीक है, तो सबसे पहले मैं तुम्हें बताना चाहूंगी, ऐसा नहीं है। अगर तुम्हारे अंदर एलीट फ्लायर की बात होती तो तुम कब के वंडरबोल्ट बन चुके होते। क्या अभी भी तुम्हें लगता है तुम स्पेशल हो? नहीं मैम। खान हो तुम तो मुझे इस एकेडमी की सबसे बुरी फ्लायर लगती हो। मुझे तो लगता है तुम पहले ही दिन हार मान जाओगी। नहीं मैम, मैं कभी हार नहीं मानती। हाँ, और तुम्हें क्या कहना है? मेरे ख्याल से तो उस फ्लैग पोल तक पहुँचने में ही तुम्हारी सांस भूल जाएगी। आजमा लो मैम। क्या कहा? दिखाती हूँ कि मैं क्या कर सकती हूँ। तो तुम्हें अपने आप को साबित करने का मौका चाहिए। यस मैम। तो ठीक है, तुम्हें मौका दिया जाता है। मुझे 500 चक्कर लगा कर दिखाओ सब के सब। अब लैप 499 और ये है आखिरी चक्कर। तो हो जाए। नहीं था नए कैडेट्स के हिसाब से। मैं हूँ लाइटनिंग डस, रेनबो डैश। मेस में चलकर कुछ खाना चाहोगी? जरूर। पिंकी पाई, रेनबो डैश को गए 24 घंटे भी पूरे नहीं हुए, उसे वहाँ आराम से जमने का मौका तो दो। क्यों ना हम चलकर देखें ट्वाइलाइट क्या कर रही है। सुना है प्रिंसेस सेलेस्टिया ने उसे नए जादू पे काम करने को कहा है। नए जादू? हा?
रुको, अगर रेनबो डैश की चिट्ठी आई और उसे लेने के लिए मैं यहाँ नहीं मिली तो मैं उसे आते ही नहीं पढ़ पाऊंगी, और अगर मैंने हाथों हाथ चिट्ठी नहीं पढ़ी तो मैं उसे हाथों हाथ जवाब भी नहीं दे पाऊंगी, और अगर मैंने हाथों हाथ उसे चिट्ठी नहीं लिखी तो उसे लगेगा कि मुझे चिट्ठी नहीं मिली, और फिर उसे चिंता हो जाएगी कि शायद उसकी चिट्ठी कहीं खो गई है, और अगर वो चिट्ठी के बारे में चिंता करेगी तो उसका ध्यान भटक जाएगा, और अगर उसका ध्यान भटक गया तो वो अकेडमी में अच्छा प्रदर्शन नहीं कर पाएगी, अगर ऐसा नहीं कर पाई तो उसे वहाँ से निकाल दिया जाएगा। तो इसका मतलब ये है तुम मेल बॉक्स से चिपकी रहोगी। हाँ हाँ, तो जैसा तुम चाहो। वंडरबॉल्स दुनिया के सबसे तेज और माहिर फ्लायर्स होते हैं, लेकिन फिर भी वो कई बार हवा में उलझ जाते हैं, और जब ऐसा होता है एक वंडरबॉल को हमेशा पता होना चाहिए उसे कैसे बाहर आना है। ये है डिजीट्रॉन, इससे तुम्हें बहुत, मैं फिर से कहती हूँ, बहुत चक्कर आएंगे। तुम्हारा टास्क है सर के चकराने से निकलकर सीधे फ्लाई करना। जैसे ही तुम खुद पर काबू पालो तुम्हें वापस आकर एक स्मूथ लैंडिंग करनी है। सबसे पहले कौन आएगा? तुम। तैयार हो जाओ। मैं हाँ, तुम तैयार? सेकेंड्स अच्छा है, लेकिन इतना भी अच्छा नहीं है। अगला कौन है? ठीक है रेनबो डैश, क्या तुम रेडी हो? यस मैम। ठीक है गो। रिलीज़। 6 सेकेंड्स, ये तो एकेडमी रिकॉर्ड है। तुम्हारे लिए तो ये कितना आसान है। मुझे देखकर सब कुछ आसान लगने लगता है। ओके लाइटिंग डस्ट, अब तुम्हारी बारी। मैम, क्या आप डिजिट्रॉन को मैक्सिमम स्पीड पर सेट कर सकती हैं? मैं अपने लिमिट्स चेक करना चाहती हूँ। क्या तुम्हें पूरा यकीन है? जी मैम। ओके, तो फिर देखते हैं। बुरा नहीं है। ओह यस। नेक्स्ट। कोई भी पोनी 6 सेकंड्स के करीब भी नहीं आया। उन्हें हमें वंडरबॉल्स बना देना चाहिए इसी वक्त। हाँ सही कहा। कान खोल कर सुन लो, बाकी के कैंप में तुम सब जोड़ियों में काम करोगे। कल मैं टीम्स की लिस्ट पोस्ट करूंगी जिसमें लिखा होगा कौन होगा लीड पोनी और कौन होगा विंग पोनी। गुड लक। जैसे हमें इसकी जरूरत है। तो तुम में से किस खुशनसीब को मेरी विंग पोनी बनने का मौका मिला है? क्या क्यों ना तुम जाकर वॉल पर ही देख लो। एक विंग पोनी, उन्होंने हमें एक टीम में डाल दिया है ना, मजेदार बात। अंदर आने की इजाजत है मैम। क्या बात है रेनबो डैश, डिजिट्रॉन पर मेरा प्रदर्शन सबसे अच्छा था, सिर्फ 6 सेकंड्स। तो और आपने मुझे विंग पोनी बना दिया। क्योंकि मुझे लगता है लाइटनिंग डस्ट और तुम मिलकर एक बहुत अच्छी टीम बनोगी। क्या तुम्हें नहीं लगता तुम एक अच्छी टीम बन सकती हो? यस मैम, मेरा मतलब नो मैम, मेरा मतलब हम मिलकर एक अच्छी टीम बनाएंगे। यस मैम। तो फिर प्रॉब्लम क्या है? मुझे लगता है मुझे लीड पोनी होना चाहिए मैम। और मुझे लगता है लाइटनिंग डस्ट तुमसे थोड़ी ज्यादा मेहनत करती है, इसलिए मैंने उसे लीड पोनी बनाया है। समझ गई तुम? यस मैम। गुड।
आज तुम सब हिस्सा लोगे फ्लैग हंट में। हम तुम सबको दो टीम्स में बांट देंगे, रेड और ब्लू। जो भी टीम दूसरी टीम के कलर्स के सबसे ज्यादा फ्लैग्स ढूंढ कर लाएगी वही जीतेगी। ये बहुत ही मजेदार होगा ना? अगर तुम्हें लगता है कि इसमें बहुत मजा आएगा तो तुम बड़ी गलती कर रही हो। ये एक ट्रेनिंग सेशन है, ये कोई रिसेस नहीं है। लीड पोनीज और विंग पोनीज को एक साथ उड़ना होगा। अगर कोई भी जोड़ी अलग हुई तो उन्हें उसी वक्त डिस्क्वालीफाई कर दिया जाएगा। क्या तुम्हें समझ आया? यस मैम। तो चलो शुरू करें। रॉक एंड रोल करने के लिए तैयार? तैयार। क्या तुम्हें कोई फ्लैग दिखाई दिया? अभी तक नहीं। ओ, वो रहा एक। नजर काफी तेज है। हमें थोड़ा धीरे जाना चाहिए। मुझे नहीं लगता हम दोनों इस स्पीड पर उसमें से निकल सकते हैं। आओ। लाइटनिंग डस्ट और रेनबो डैश ने पहला फ्लैग ढूंढ लिया है। कम ऑन, चलो कुछ और फ्लैग्स ढूंढते हैं। जरूर, बस मुझे एक सेकंड दो। कुछ नहीं हुआ। हाँ, बिल्कुल। वो उसके बारे में ही सोच रही है। काश हम उसकी कोई मदद कर पाते। मेरी मदद? इस वक्त अगर कोई मेरी मदद कर सकता है तो वह रेनबो डैश की चिट्ठी। 3 दिन बीत चुके हैं, अब वो हमारे नाम भी भूल चुकी होगी। शायद उसे हमारी शक्लें भी याद नहीं होगी। पिंकी पाई, मैं किसी पिंकी पाई को नहीं जानती। कौन पिंकी पाई? अगर तुम्हें इतनी चिंता हो रही है तो तुम उसे चिट्ठी क्यों नहीं भेज देती हो? बिल्कुल, क्या बात है, अच्छा आइडिया है। रुको, मेरे पास इससे भी बेहतर आइडिया है। क्या ख्याल है अगर हम रेनबो डैश को भेजे एक केयर पैकेज, यू नो, इससे पहले कि वो हमें भूल जाए। हालांकि हमें मान लेना चाहिए अब शायद उसके लिए बहुत देर हो चुकी है, शायद इससे उसकी याददाश्त पर थोड़ा असर पड़ जाए। पिंकी पाई, मुझे पूरा यकीन है रेनबो डैश को हमारे चेहरे और हम कौन है ये याद होगा, पर मेरे ख्याल से एक केयर पैकेज भेजने का आइडिया अच्छा होगा। तो फिर हम वही भेजते हैं, हम इसे मेल के जरिए भेजेंगे। रुको, इससे काम नहीं चलेगा। क्यों नहीं? क्योंकि अगर मेल में ये पैकेज खो गया तो क्या होगा? और तब क्या होगा अगर ये पैकेज किसी और पोनी को मिल गया? फिर उसे हम याद आ जाएंगे और फिर वो रेनबो डैश की जगह हमारी नई दोस्त बन जाएगी, और फिर असली रेनबो डैश को कभी नहीं पता चलेगा कि हम उसके दोस्त हुआ करते थे। क्या किसी और पोनी को इसकी बात समझ आई? समझ आ गया। हम खुद जाकर रेनबो डैश को ये पैकेज देकर आएंगे। मैं इस ट्रिप के लिए तैयार हूँ। मैं भी चलूंगी। मैं तैयार हूँ। मैं भी। पर अगर पहली बार में वो तुम्हें पहचाने नहीं तो बुरा मत मानना, उसकी याददाश्त को वापस आने में वक्त लग सकता है। आज हम करने वाले हैं हमारा मशहूर ऑब्स्टिकल कोर्स। इस एक्सरसाइज का मकसद है मुश्किल हालात में भी अच्छी उड़ान भरने के लिए तुम्हें तैयार करना। और जीतने की चिंता मत करो, ये कोई रेस नहीं है। अब सभी पोनीज अपनी जगह ले लो। क्या ये और तेज नहीं उड़ सकते? ये बिल्कुल भी ठीक नहीं है। मैं आगे कैसे निकलूं? कोई फर्क नहीं पड़ता, हम साथ में उड़कर अपने मूव से स्पिटफायर के पैरों तले जमीन खिसका सकते हैं। शायद। ये लोग पोनीज हैं या स्नेल्स? क्या हुआ, बादल ही तो है। अब हमारे पास इनसे आगे निकलने का मौका है, चलो। बुरा नहीं था, और वो भी रिकॉर्ड टाइम में। मेरा तुम दोनों को एक टीम में रखने का फैसला सही था।
बाकी टीम्स को शायद मुश्किल हालात में अच्छी उड़ान वाला हिस्सा समझ नहीं आया। मैं जाकर उन्हें संभालती हूँ। क्यों ना तुम दोनों आज मेस हॉल जल्दी चली जाओ। यस मैम। थैंक यू मैम। लाइटनिंग डस्ट, अगली बार तुम बाकी की टीम्स के साथ ऐसा मत करना। हे, जो रुकेगा वो हारेगा। इसके अलावा वंडरबोल्ट्स को इस तरह के हालातों से निपटना आना चाहिए। तुम्हें उन्हें डिजिट्रॉन पर देखना चाहिए था। उन्हें थोड़ी प्रैक्टिस की जरूरत है। ये हमारी गलती नहीं कि हम बाकी पोनी से कहीं ज्यादा बेहतर हैं। अब हर एक पोनी वंडरबोल्ट्स नहीं बन सकती ना। जो सबसे बेस्ट होगा वही बन सकता है। हाँ, शायद तुम सही कह रही हो। हाँ बिल्कुल मैं सही हूँ। चलो चलकर कुछ खाएं। उन लोगों को हराकर मुझे भूख लग गई है। आइडिया है जिसकी मदद से हम बाकी लोगों को कंपटीशन से बाहर कर सकते हैं। पर हम तो पहले ही उन सब से बहुत आगे हैं। तुम मेरे साथ हो या नहीं? लाइटनिंग डस्ट तुमसे थोड़ी ज्यादा मेहनत करती है, इसलिए मैंने उसे लीड पोनी बनाया है। मैं तुम्हारे साथ हूँ। तो चलो मेरे साथ। मैं इसे काबू नहीं कर पा रही। ये तो कोई तूफान है। बेशक तुम मुझे याद हो, पर तुम सब यहाँ क्या कर रही हो? हम तुम्हारे लिए केयर पैकेज ला रहे थे, पर पता नहीं था तुम किसी खतरनाक टोर्नेडो ड्रिल में हिस्सा ले रही हो। ये शानदार था। शानदार? मेरे दोस्तों के टुकड़े टुकड़े हो सकते थे। हाँ, पर ऐसा नहीं हुआ ना। बादलों के बारे में क्या कह सकते हैं? हमने टोर्नेडो की मदद से बादल साफ किए। बाकी कैडेट्स को ये काम पूरा करने में कई दिन लग जाते जो हमने चुटकी में कर दिखाया। एक हूफ बम्प? सीरियसली, तुम्हारी वजह से मैंने अपने पंख काटे। तुमने ऑब्स्टिकल कोर्स पर हमारी आधी से ज्यादा क्लास को चक्कर में डाल दिया, और तुमने वो टोर्नेडो बनाया जिसकी वजह से मेरे दोस्त मरते मरते बचे। हाँ, तो मैं समझ सकती हूँ तुम्हें सबसे अच्छा बनना है। मैं भी चाहती हूँ, पर इसके लिए तुमने जो तरीका अपनाया वो गलत है। वंडरबोल्ट्स को ऐसा नहीं लगता। इसी वजह से तो स्पिटफायर ने मुझे लीडर बनाया और तुम्हें विंग पोनी। तुम सही कह रही हो, उसने ऐसा ही किया। जो भी हो, इम्पोर्टेंट होना चाहिए। इस वक्त तुम्हें अपने पार्टनर के साथ बादलों की सफाई में होना चाहिए। वो काम पूरा हो गया है मैम। क्या इतनी जल्दी? ये तो कैरमीर रिकॉर्ड है। अपना तरीका मुझे बताओ। उसी के लिए तुम्हें यहाँ आई हूँ मैम। लाइटनिंग डस्ट ने टोर्नेडो के इस्तेमाल से वो काम पूरा किया। बादल हटाने के लिए ये कुछ ज्यादा ही हो गया, पर वक्त को देखते हुए लगता है ये तकनीक काफी काम आई। हाँ, पर उस काम की तकनीक की वजह से मेरे दोस्त मरते मरते बचे। मैं आपकी बात नहीं काटना चाहती मैम, पर अपनी हदों को पार करना और दूसरों के लिए खतरा बनना, ये दो बिल्कुल अलग अलग चीजें हैं। और अगर यहाँ आगे बढ़ने का यही तरीका है और एक वंडरबोल्ट बनने का यही मतलब है, तो फिर मैं यहाँ नहीं रहना चाहती हूँ। ये तुम क्या कह रही हो कैडेट? मैं जा रही हूँ। तुमने क्या किया? पर वंडरबोल्ट बनना तो तुम्हारा सपना था।
अब नहीं है। I'm sorry, Rainbow Dash. मैं जानती हूँ ये तुम्हारे लिए बहुत जरूरी है। Rainbow Dash! तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरा जवाब सुने बगैर मेरे ऑफिस से बाहर जाने की? वंडर बोल्स को इक्वेस्ट्रिया के सबसे अच्छे फ्लायर्स की तलाश है। तुम सही कह रही थी, बेस्ट बनने का मतलब ये नहीं कि तुम अपने साथियों पर खतरा बन जाओ। हमारा मकसद सिर्फ अपनी हदें बढ़ाना नहीं है, बल्कि हमें उन हदों को सही दिशा में बढ़ाना है, और तुमने साबित कर दिया कि तुम ये कर सकती हो। तुम कोई विंग पोनी नहीं हो रेनबो डैश, तुम एक लीडर हो। ओह माय गॉश, ओह माय गॉश, ओह माय गॉश, ओह माय गॉश। अब ऊपर जाओ और 20 चक्कर पूरे करो। यस मैम।